Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class the topic perimeter and area. In this topic, I will solve the problems about circular things, perimeter and area, circumference and area of a circular thing, circle, whatever जो भी है. तो इसके परिप्रेक्ष्य मैंने पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे. फोर्थ क्वेश्चन तक 11.3 आपका हो गया था. अब 11.4 एक्सरसाइज आपको कराना है. बट ये है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ माई वीडियोज एंड विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्सेप्ट, वट एवर गिवन बाई मी. जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. दैट इज द मेन थिंग्स. जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट देखिए कैसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. पांचवा क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स आर रिस्पेक्टिवली 88 मीटर एंड 220 मीटर. व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया बिटवीन टू सर्किल्स. तो दो सर्किल्स का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है. लेट द रेडाई, रेडाई पढ़ते हैं इसको, प्लूरल फॉर्म होता है, ऑफ टू सर्कल्स बी आर एंड आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल. तो बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr. आर क्या होता है? रेडियस. तो 2πr इज इक्वल टू 88 एंड 2πr इज इक्वल टू 220. देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 × 22 × 7 × r = 88. r क्या हो गया? 88 × 7/2 × 22, 244 जा 22 = 40. r हो गया 14 मीटर. यहां पे 2 × 22 × 7 × r = 220. तो r क्या हो गया? 222 × 7/2 × 22, 10 जा 5. यहां आर हो गया 35. तो इसकी एरिया निकाल लेंगे. एरिया हो गई इसकी पाई आर स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर, क्या समझे? इंटू 14 इंटू 14, 7 × 14, ये हो गया 22 × 28. ये हो गया इसकी एरिया हो गई 616 square centimeter. अब इसकी एरिया देखिए, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया आप सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई 22/7 × r क्या होगा? 35 का स्क्वायर इंटू 35 × 35, 5 × 22, 5 × 110 × 35 कर लीजिए, 0 पर रख लीजिए, 11 × 55 × 35 × 33 × 5 = 38, इतना स्क्वायर. तो डिफरेंस बिटवीन एरियाज के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3850 − 616 माइनस कर दीजिए, इतना स्क्वायर मीटर. डिफरेंस कितने का है? 3234. तो कॉन्सेप्ट क्या है? दो सर्किल है, दोनों का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है. हमने उनके रेडाई मान लीजिए आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. तो एक सर्किल का दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस 2πr, 88 हो गया तो r की वैल्यू 14 आ गई. दूसरे में 220 दिया हुआ है तो r की वैल्यू 35. इसकी एरिया हो गई, ये इसकी एरिया, ये हो गई. दोनों में डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बट्टे में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपका. पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए. ये सिक्स्थ क्वेश्चन,
सिक्स क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 38.5 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्किल, थर्टी एट पॉइंट फाइव स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5। आर क्या है? रेडियस। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5। आर क्या हो जाएगा? इंटू 7/22। 11 2 जा 11 3 जा 11 5। तो पाई आर स्क्वायर जो है द एरिया ऑफ सर्किल। हम इसको सॉल्व करें, 7/35 24.5/2 डिवाइड 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 8। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 12.25। अब 12.25 इसको हम लिख सकते हैं 1225/100। तो आप क्या करिए, 1225 के प्राइम फैक्टर निकालिए। 5 से 10 4 जा 5 5 4 जा 5 9। अब 7 7 जा 7 1। आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और इसको हम 10 का स्क्वायर कर लेंगे। तो आर क्या हो जाएगा? 5 × 7/10 35/10 यानी 3.5 मीटर। रेडियस क्या हो गया? 3.5 मीटर। अब रेडियस 3.5 मीटर हो गया तो सर्कमफ्रेंस आप सर्किल क्या होता है? 2πr 2 × 22/7 × r क्या है? 3.5 7 5 = 35। 44 × 0.5 यानी बेटा हो जाएगा 22 मीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 22 मीटर। तो कांसेप्ट मान लीजिए 22 मीटर आ गया। अब आंसर पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 22 मीटर में 2200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। तो व्हाटएवर जिसमें भी आंसर पूछ रहा है आप उसमें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, मीटर में पूछ रहा है मीटर में दीजिए आंसर, सेंटीमीटर पूछ रहा है सेंटीमीटर में दीजिए, प्रोसेस शुड बी क्लियर। और प्रोसेस क्लियर कैसे होगा? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एरिया दिया हुआ है, रेडियस निकाल लिया। अब कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी तभी कुछ कर पाओ। कैलकुलेशन प्रैक्टिस से स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन नंबर 7 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़ते रहिए मन से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कुलर शेप ऑन अ लाइन ऑफ लेंथ। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कुलर शेप ऑन अ लाइन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 10 दिया है। डायमीटर क्या दिया है? 10 दिया है। तो जो लाइन है वो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर आप ध्यान दीजिएगा, समझिए डायमीटर डी, डायमीटर यानी डी, डायमीटर आप सेमी सर्कुलर क्या दिया है? शेप इज इक्वल टू 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, वॉट एवर जो भी दिया हो, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ, या दो चीज क्वेश्चन, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पूछेगा तो केवल हाफ। ये देखिए ये चीज, यहां पे उसको पेरीमीटर पूछना चाहिए होता। देखिए चीज है, सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होगा और पेरीमीटर का मतलब होगा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। चलिए इसका सर्कमफ्रेंस निकालता हूं। तो पेरीमीटर आप
सेमी सर्कुलर सेल इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई पाई डी प्लस डायमीटर। देन यहां से चलना शुरू किए, जैसे ये पूरा सर्किल होता ये क्या होगा, पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, तो आधा अगर निकालेंगे तो आधा यानी हाफ इंटू पाई डायमीटर। अब प्लस यहां से चलना शुरू किए, ये चले फिर यहां से, हाँ ये 10 दिया हुआ है प्लस 10 यानी हाफ इंटू पाई इंटू डी फाइव हो सॉरी डी 10 है प्लस 10 टू 5 10 तो 5 पाई प्लस 10 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू हम यहां 3.14 ले लें, ये हो जाएगा 5 इंटू 3.14 प्लस 10 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 25.7। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है 25.7। अगर सरकमफ्रेंस आपसे भी सर्किल की बात करता है तो केवल ये होगा, और पेरीमीटर आपसे भी सर्किल की बात करेगा तो डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 8th क्वेश्चन क्या है देखिए। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑन अ वॉल क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में उसने कितनी एरिया स्विफ्ट की, अब देखो क्वेश्चन तो दे दिया है, इसने सेक्टर वगैरह तो पहले बताया नहीं कि सेक्टर की एरिया क्या होती है, चलिए अब वो भी बता देंगे। ए मिनट एक सर्किल की तरह होता है, मिनट हैंड और रेडियस का काम करेगा, याद समझिए। ये हो गया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 मिनट हैंड क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ वॉल 7, फाइंड द एरिया स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यानी कि ये देखिए यहां पे मिनट हैंड और फिर 30 मिनट का मतलब यहां ये एरिया एक सेमी सर्किल बनेगा, देखिए क्या बनेगा ये सेमी सर्किल। अब इसको दो तरीके से बताएं, सेमी सर्किल बना तो सर्कुलर वॉच और रेडियस क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ मिनट हैंड, यानी लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना दिया हुआ है इसमें 7 सेंटीमीटर। तो इन 30 मिनट्स स्वेप्ट एरिया बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि आर रेडियस, हाफ इंटू 22/7 इंटू आर क्या हो गया 7 का स्क्वायर 2 11 11/7 इंटू 49 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 7 7 49 77 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो गया 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक तरीका और ये समझ आ गया 30 मिनट्स हो जाएगा, एक जब आप आगे क्लास में जाएंगे सेक्टर बनेगा, देखिए एंगल दूसरा तरीका बता रहा है एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो देखो बेटा मिनट हैंड क्या होता है कि मिनट हैंड जो पूरा मतलब एक राउंड अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर करता है पूरा वन राउंड डिस्टेंस अगर कवर करता है तो 60 मिनट होता है, कितना होता है 60 मिनट वन राउंड डिस्टेंस कवर करेगा 60 मिनट, तो इन 60 मिनट
डिस्टेंस कवर्ड एंगल स्वेप्ट बाय 360 डिग्री, क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। तो इन वन मिनट क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 60, 6 डिग्री, यानी कि एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल। तो 30 मिनट में 30 × 6 यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, सेक्टर के एरिया क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया हो जाएगा जितना एंगल बना अपॉन 360 × πr², कितना एंगल बना, ये हो गया 1/2 × 22/7 × 7 का स्क्वायर, आ गया ना भाई जी, 211 जा 11/7 × 7 × 7 × 77 स्क्वायर आगे आंसर आप। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगना है, कोई है नहीं, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं इसमें है, आप चाहे तो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।